नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी का ये इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो। यस, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और आज के इस व्लॉग वीडियो में मैं अपनी एक छोटी सी ट्रिप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसी के साथ अपने फैमिली का पूरा इंट्रोडक्शन भी आपको देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इन टू इट। ऑलराइट, सो ट्रिप हैज बीन स्टार्टेड नाउ और हम जा रहे हैं कांकरिया लेक अहमदाबाद। जो अहमदाबाद से है उनको पता है कि क्या है कैसा है, और वहाँ जाके मैं आपको देता हूँ इंट्रोडक्शन पूरे फैमिली की। ऑलराइट, सो व्लॉग हो, ऑटोमोबाइल चैनल हो, और व्लॉग के ड्यूरिंग ऑटोमोबाइल्स की बातें ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ आज है विक्रम सिंह जी, ये ओला में अपनी कैब चलाते हैं। इन्होंने अभी अभी रिसेंटली नई इको ली है, इको एसी विद सीएनजी, और हम इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और जानते हैं किस तरह से कितनी एफिशिएंटली ये अपनी इको को यूज़ कर पा रहे हैं और क्या रिटर्न अपनी इको में से गेन कर पा रहे हैं। सो विक्रम सिंह जी, कितना टाइम हुआ आपको परचेज किए हुए? जस्ट 2 मंथ्स पहले ही इको जो है वो परचेज हुई है। 13,694 टू बी प्रिसाइज अभी कार चली है, तो आप समझ सकते हो कि 2 महीने में 14,000 किलोमीटर्स का यूजेज कितना ज़्यादा यूजेज होता है। सो आप अपना कुछ इनपुट दे सकते हैं, कितनी फ्यूल एफिशिएंसी आप ले पा रहे हैं अपनी इको में से? कुछ 13 किलोमीटर के आती है सीएनजी बस। ओके, और पेट्रोल पे वही कम रहता है, पेट्रोल यूजिंग नहीं है हमारे यहाँ पे। यस, सीएनजी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सीएनजी में आप पर केजी 13 किलोमीटर्स की फ्यूल एफिशिएंसी गेन कर पा रहे हैं, राइट? और उसके अलावा एसी का क्या आपका इनपुट है, क्योंकि अहमदाबाद की गर्मी आपको मालूम है, तो क्या कैसा एसी के समय में एसी काम नहीं करता है? ओके ओके, इको विद एसी अगर आप लेते हैं तो जो केबिन की साइज है वो बहुत बड़ी है, और एसी जो है वो शाम को ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है इनके कहने के मुताबिक। आफ्टरनून टाइम में प्रॉब्लम रहती है, अराउंडिंग में 1 से 5 के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ओके, 1 से 5 के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, और शाम को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। अभी जैसे मैं नियर अबाउट 7:30 के आसपास इस कार में बैठा हूँ, तो मुझे एसी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है। सो एक चीज़ है, दोपहर के टाइम आपको एसी इतना जो है वो इफेक्टिवली नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई आपके पर्सनल जैसे एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई प्रॉब्लम हो, कोई हमारे व्यूअर्स को कुछ आप बताना चाहेंगे कि अगर आप इतना ज़्यादा यूजेज कर रहे हो कार का और अभी अभी परचेज की है, तो आपको क्या दिक्कतें आई है, क्या चीज़ें अच्छी लगी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आप बताना चाहें? पॉइंट्स में यूँ है, इको में क्या है कि कंपनी में लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। इको ली थी हमने कुछ सोच के कि बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इको को कंपनी माइक्रो और मिनी में ही देती है। ओके, तो ये 5 सीटर है और गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है, तो अनकम्फर्टेबल कह सकते हैं। जी, ये मैंने भी ले लिया है, अब लेने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आप बेनिफिट की बात कर रहे हैं, वो ओला के बेनिफिट की बात कर रहे हैं? ओला के बेनिफिट, राइट। बाकी इको आप फैमिली यूजेस के हिसाब से आपको कम्फर्ट है। ओके, सो इनके कहने के मुताबिक देखिए, अगर आप ओला बिजनेस के अंदर अपनी कार रखना चाहते हैं तो इको के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। बड़ी कार होने के बावजूद ये जो कार है वो माइक्रो में और मिनी में ही प्लेस की जाती है ओला के अंदर। अगर आपको कुछ प्रीमियम में या ऐसा कोई है तो दूसरे ऑप्शंस में जाना है, तो कार सिलेक्शन जो है वो प्रॉपरली समझ के कीजिएगा। अगर माइक्रो मिनी में ही चलानी है तो छोटी गाड़ी में भी आपका काम बन सकता है।
उसके अंदर आपको एवरेज ज्यादा मिलता है। हाँ, और आप छोटी गाड़ी यूज करते हो हाँ, तो जैसे कि इसमें 13 पर केजी एवरेज मिलता है, उसकी जगह अगर आप अल्टो या ईओन वगैरह लगा देते हो हाँ, तो उसका एवरेज आपको 25 तक मिलता है। तो आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं वहाँ पे पहुँच जाने के बाद, तब तक आप एंजॉय कीजिए अहमदाबाद सिटी का छोटा सा टाइम लैप्स। तो एक इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ पे पहुँच तो गए लेकिन जो सिक्योरिटी है वहाँ पे मुझे कैमरा सबमिट करना पड़ा, यहाँ पे शूटिंग वैसे अलाउड नहीं है, तो जो चीज़ अलाउड है वही करेंगे, तो यहाँ पे नहीं अलाउड है तो नहीं करेंगे। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है मेरी वाइफ चार्मी, से हाई टू एवरीवन। और आगे जाके मेरी एक स्वीट लिटिल डॉटर है, उनसे भी मैं आपको अभी मिलवाता हूँ। जेसीबी की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। यस, मीट माय ब्रदर इन लॉ जयेश चार्मी एंड पूजा हिज वाइफ। और ये है यहाँ पे, ये रुद्री है मेरी डॉटर है, और ये है जयेश की डॉटर जिसका नाम है त्रिशा। से हाई टू एवरीवन, चाचू लोग को हाई बोल दो। ओके, तो वैसे तो यहाँ पे आने का बेस्ट जो टाइम है वो है 4:30, 5 o'clock, क्योंकि आपको सारा जो नज़ारा है वो प्रॉपरली दिख पाए। लेकिन हम इंटेंशनली थोड़ा सा लेट आए, थोड़ा सा डार्क टाइम पे आए, क्योंकि जो लाइटिंग्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको जो क्लिप दिखा रहा हूँ वहाँ पे आपको लाइटिंग्स जो दिख रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग लाइटिंग है, तो देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो एक टॉय ट्रेन की पटरी है, और ये जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी क्यूट सी टॉय ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने में भी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है और चलने में भी इतनी। हालांकि अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी हम इसकी राइड नहीं लेने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम जब दूसरी बार आएंगे तब राइड ज़रूर लेंगे। ये जो है वो जनरल इंजन की और यहाँ से ट्रेन जो है वो ऑपरेट होती है, ये जो है वो थोड़ा सा छोटा सा इंजन है, छोटी बिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेन है, देखनी जरूर।
ऑलराइट, सो आई होप सो कि आज का वीडियो जो है, आज का व्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये जो एक छोटी सी ट्रिप थी वो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए थी, मेरे फैमिली के साथ एक इंट्रोडक्शन सा वीडियो था और उसके अंदर हमने कुछ ऐड किया था ऑटोमोबाइल का कंटेंट। और इस व्लॉग को देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग में जो लास्ट व्लॉग में जो आपने सपोर्ट किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार एक छोटा सा लाइक बटन ज़रूर प्रेस करके जाइए। फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में आए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ मैं आपको एंटरटेन और इंफोटेन करता रहूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और टिल देन चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।